हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। सालों बाद शोले की बसंती यानी कि हेमा मालिनी के चाहने वालों के लिए साल 2020 एक गुड न्यूज लेकर आया है। हम बात कर रहे हैं फिल्म शिमला मिर्च की, जो कि आज स्टेटस पर रिलीज हुई है। इस फिल्म में हेमा मालिनी के साथ रकुल प्रीत और राजकुमार राव भी नजर आए हैं। शोले, सागर और शान जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके रमेश सिप्पी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों, फिल्म देखने से पहले एक बार हर कोई ये जानना चाहता है कि फिल्म आखिर है कैसी, उसे रिव्यूज कैसे मिले हैं। तो चलिए आपको फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा बताते चलते हैं। फिल्म की कहानी बेस्ड है एक सिंगल मदर पर, जिसका किरदार फिल्म में हेमा मालिनी निभाती नजर आ रही है। फिल्म में अविनाश यानी कि राजकुमार राव का जो कैरेक्टर होता है, वो लड़कियों से बात करने में थोड़ा हिचकिचाता है। ऐसे में एक बार वो अपने परिवार के साथ शिमला जाता है, जहां उसकी नजर नैना यानी कि रकुल प्रीत पर पड़ती है। नैना से नजदीकियां बढ़ाने के लिए अविनाश नैना के कैफे में जॉब करता है। अविनाश नैना के लिए एक लेटर लिखता है, जिसमें वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है, लेकिन वो उस लेटर में अपना नाम नहीं लिखता है। जिसके बाद वो लेटर गलती से पहुंच जाता है नैना की माँ रुक्मणी यानी कि हेमा मालिनी के पास, जो अपने पति से अलग होने के बाद अपनी नई लाइफ स्टार्ट करना चाहती हैं। अविनाश के लेटर को अपने लिए समझकर रुक्मणी अब अविनाश से प्यार करने लगती हैं, जिसके बाद फिल्म में शुरू होती है कन्फ्यूजन। अब इसके आगे क्या होता है, इसके लिए तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। बता दें कि क्रिटिक्स ने फिल्म की स्क्रिप्ट को काफ़ी कमज़ोर बताया है। क्रिटिक्स का कहना है कि राजकुमार राव जैसे एक्टर होने के बावजूद फिल्म में ज़्यादा मज़ा नहीं आया। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी डल और लंबा है, वहीं दूसरे पार्ट में फिल्म को लेकर थोड़ी दिलचस्पी बढ़ती है। वहीं रकुल प्रीत की भी एक्टिंग ठीक ठाक लगी है। फिल्म को लेकर लोगों में अगर एक्साइटमेंट दिखी है, तो वो सालों बाद शोले की बसंती की वजह से। फिल्म का गाना मिर्ची शिमले दी को लोगों ने खूब पसंद किया, जिसमें हेमा मालिनी ठुमके लगाते नजर आई हैं। हालांकि उन्होंने अपने किरदार के साथ न्याय नहीं किया है। ओवरऑल क्रिटिक्स का कहना है कि ये सिर्फ एक डल कॉमेडी फिल्म बनकर ही रह गई है। बता दें कि क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 2 स्टार्स दिए हैं।